हेलो एवरीवन, एक लोग का कमेंट था कि मेरा कटअप से बिल्कुल पास में नंबर है, मार्क्स आ रहा है। सपोज एक नंबर ज़्यादा या दो नंबर ज़्यादा या एक क्वेश्चन ज़्यादा, ऐसा कुछ, तो क्या मैं रनिंग करूँ या ना करूँ? देखिए, ये मैं बिल्कुल, ये आपका डिसीज़न होगा। मैं बस कुछ चीज़ें बता सकती हूँ। ये मैं बिल्कुल नहीं किसी को बोल सकती कि आप रनिंग ना करो। ये आपका पर्सनल डिसीज़न होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ आप रनिंग करने के बाद होता है ना, कि अगर रनिंग करने नहीं गए और आप फिर बाद में पछताओगे, तो ये सही नहीं है। मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि आपको करना है या नहीं करना है। जिन भी बच्चे का ये फर्स्ट टाइम वैकेंसी है, या वो कभी फिजिकल नहीं दिए हैं, हो सकता है सेकेंड टाइम हो, या कभी रनिंग में छट गए हों, या वो अभी पूरे फाइनल जो होता है ना, कि रनिंग का पूरा इवेंट क्लियर करके उनको गेट पास नहीं मिला है, वो ज़रूर जाएं। क्योंकि गेट पास मिलना ना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, भले ही आपका सिलेक्शन बाद में हो ना हो। क्योंकि जब मैं 2446 में छठी थी ना, हाइट से जब मुझे वापस रिटर्न भेजा गया था पिछले गेट से, मैं इतना रोते हुए अपना सूप पकड़ के आ रही थी, इतना रो रो के आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरे मम्मी पापा, उस टाइम ये मेरा फर्स्ट उस टाइम वैकेंसी था और फर्स्ट टाइम मैं क्लियर कर रही थी, दरोगा का एग्ज़ाम क्लियर करके मैं आई थी। उसी समय मैं भरा ही था, मेरा पहला दरोगा था। मेरे मम्मी पापा भाई जीजू सभी लोग आए हुए थे। सोचिए, मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। मुझे लग रहा था कि मैं उनको बाहर क्या बोलूँगी, वो लोग इतने दूर, मतलब उतना 280 300 के आसपास, 300 किलोमीटर दूर से पटना आए हैं मेरे लिए, मेरे फिजिकल के लिए आए हैं। और अगर उनको, मतलब मैं गेट पास नहीं, वहाँ के लिए गेट पास ही इम्पोर्टेंट होता है, बाद का बाद में देखा जाता है, उनको वो नहीं दिखेगा और मेरा फेल होना, मतलब बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था मुझे, बहुत रो रही थी। तो वो जो गेट पास मिलने की खुशी ना, मुझे 2213 में मिला था, और उस टाइम मैं यही सोच रही थी, हे भगवान, मुझे गेट पास मिल जाए, मुझे गेट पास मिल जाए। मैंने तो आगे का ज़्यादा सोचा ही नहीं, बस मैं ये मना रही थी कि मुझे गेट पास मिले। गेट पास लेके जो फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, वो कैसा लगता है, एक्साइटमेंट एक होता है ना, तो वो मेरे में था कि हाँ, मुझे गेट पास मिले, मेरा भी वीडियो बने। मैं दूसरों को देखती थी मिठाई लेकर आते, वीडियो बनवाते, सर लोग जो फिजिकल ट्रेनर हैं वो लोग बनाते थे। तो मेरा बहुत बड़ा शौक था कि मुझे कब भगवान गेट पास मिलेगा, मेरा कब वीडियो बनेगा, कब मैं मिठाई लेकर आऊँगी, मतलब मेरा ये ख्वाब था। और 2213 में हाँ पूरा हुआ। तो जिन लोगों को ये नहीं मिला है ना, वहाँ पे जाना, गेट पास लेना, सारे इवेंट को क्लियर करना भी अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है, और बहुत एक्सपीरियंस आपको होगी, वो एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है जो अभी तक आपने नहीं किया है। पढ़ना लिखना वो अलग है, लेकिन वहाँ एक अलग अनुभूति होती है जिसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। जो आप वहाँ जाके फील करोगे ना, वो आप वहीं पे जाके आपको समझ में आएगा। हर चीज़ करने का प्रेशर, जब एक टाइम में अगर हाई जंप ना हो, उस समय खुद को डील करना, खुद को कैसे मतलब क्लियर करना है वो चीज़ें, वो सब बहुत अलग होता है। वो डर, वो नर्वसनेस, आप खुद को कैसे कंट्रोल करते हो वहाँ पे, ये सब वहाँ ही जाके आप सीख पाओगे, समझ पाओगे, फील कर पाओगे। अब वो गेट पास मिलने की खुशी, फिर लास्ट में वो फॉर्म फिल करना, आपने जो हिंदी इंग्लिश वहाँ लिखा था सेम लिखना, फिर आपको गेट पास मिलना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, वो सब एक अलग अनुभूति है। और जब आप गेट पास लेकर आओगे ना, उस टाइम तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब जॉब मिलने के बाद शायद जो खुशी होती है ना, उस टाइम वैसा अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम कुछ नहीं इंसान सोचता, बस सोचता है कि हाँ, ये जो इस काम के लिए मैं गई थी या गया था, वो काम मिले, मेरा क्लियर हुआ। तो ये है, आप जाएं एक्सपीरियंस के लिए, जरूर जाएं, आपको जाना चाहिए, ये एक अलग एक्सपीरियंस है। आज मैंने किया है, बहुत बार मैं वहाँ गई हूँ तब आपको बता पा रही हूँ। आप भी वहाँ जाएंगे तभी किसी और को बता पाएंगे, या अपने खुद के एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़रूरी है वहाँ जाना। तो आपका अगर मार्क्स कम भी है ना, आपका रिजल्ट आया है, तो आप जाएं। और हाँ, जिनका दो तीन बार जा चुके हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, और उनका बस एक क्वेश्चन ज़्यादा है या डेढ़ क्वेश्चन ज़्यादा है,
वो एक टाइम रनिंग करके, क्योंकि उनको रनिंग करने का एक्सपीरियंस एटलीस्ट होता है मुझे जहाँ तक लगता है, तो वो एक टाइम जाएं या जब नज़दीक आ जाए दौड़ तब जाएं, और थोड़ा तो पढ़ाई करें, उनके लिए ये मैं कहूँगी। ये मेरा पर्सनल मतलब सोच है, आप पे कोई ये नहीं है, आपको तो जो मन आएगा वही आप करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उनको थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए, इसी पे फुल्ली डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा मैं सोचती हूँ। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, जिनका फर्स्ट टाइम है, जो अभी तक जिनको गेट पास नहीं मिला है, और मतलब वो फिजिकल का पूरा जो इवेंट होता है, रनिंग, शॉट पुट, हाई जंप, लॉन्ग जंप, वो क्लियर नहीं किए हैं, वो ज़रूर जाए, अपना एक एक्सपीरियंस ले, और आपको अच्छा लगेगा, आपके पास एक एटलीस्ट गेट पास रहेगा तो बढ़िया है, बाकी तो जो होगा सो होगा। हाँ, कट ऑफ थोड़ा तो इंक्रीज होगा ही, क्योंकि इसके बारे में मैं चलो नेक्स्ट में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन है, मुझे वो एक एक करके लेने हैं, ठीक है? आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। थैंक यू।